झारखंड रसोईया संघ के द्वारा मोरहाबादी मैदान के समक्ष जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि मोरहाबादी मैदान को जो है जाम कर दिया गया है। सैकड़ों की संख्या में जो है झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से जो है रसोईया संघ के कार्यकर्ता आए हैं जो प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय में खाना बनाने की काम करती है और इन लोगों की मांग है कि हम लोगों को न्यूनतम वेतन दिया जाए। सरकार के द्वारा जो मंत्रिमंडल में 3,000 रुपया जो है इन लोगों के लिए पास किया गया है लेकिन इन लोगों को जो है सरकार पर विश्वास नहीं है। इन लोगों का कहना है कि 3,000 रुपया में क्या होगा और महंगाई जो है इतनी बढ़ गई है कि हम लोग सुबह 9 बजे से लेकर के 3 बजे जो है दोपहर तक काम करते हैं लेकिन हम लोगों का जो और जो मानदेय राशि है वो मात्र 2,000 रुपया है और सरकार जो अभी हेमंत सरकार है अभी हाल के कैबिनेट के बैठक में रसोईया संघ के लिए 1,000 रुपये का बढ़ोतरी कर रही है और इन लोगों का कहना है कि जो बढ़ोतरी की गई है वो नाकाफ़ी है। 3,000 रुपया में हम लोगों का घर बार नहीं चल पा रहा है और हम लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार हम लोगों को न्यूनतम वेतन दे जो सरकार और साथ में इन लोगों के द्वारा स्थायीकरण की भी मांग की जा रही है कि 60 साल तक हम लोगों को अपने काम से हटाया नहीं जाए और हम लोगों का जो न्यूनतम वेतन है तो सरकार मापदंड तय करती है जो एक मजदूरों के लिए जो तय करती है वो हम लोगों को सरकार दे। अब इन लोगों से बात करते हैं सीधे कि क्या कुछ इनका कहना है। ये क्या नाम है? निखत परवे। कहाँ से आए हैं? सारले महुआ खुरा से आए हैं। क्या मांग के लोग करके आज रोड जाम कर दिया? आज हम लोग का मांग है कि हम लोग रसोईया सबको न्यूनतम वेतन चाहिए। कितना न्यूनतम वेतन? वही जो एक दिन का मजदूरी है सबका वही हम लोग को चाहिए। 60 रुपया 66 पैसा देते हैं। 60 रुपये केजी तो प्याज है, हम लोग को कैसे होगा? 9 बजे आते हैं और 3 बजे तक खटते हैं, वहाँ काम करते हैं। हम लोग ना बच्चा को पढ़ाने सक रहे ना अच्छा कपड़ा देने सक रहे हैं। हम लोग को सरकार बच्चा एकदम ठकले बच्चा जैसे है, कैसे होगा बताइए तो आप ही लोग। 60 रुपया 66 पैसा कुछ होगा बताइए आप ही लोग। 3,000 बस कुछ नहीं है ना? 3,000 भी हम लोग को नहीं चाहिए, कुछ नहीं। 2,000 मिलता है महीना में, वो भी सही से नहीं आता है। 4 महीना हो जाता है तब 2 महीना का पैसा भेजता है सरकार, एक महीना का 2 महीना का भेजते हैं तो हम लोग कैसे घर चलाएंगे? हम लोग को तो उसी से ना आसरा है जब कुछ कर रहे हैं तो। हम लोग को चाहिए न्यूनतम वेतन और 60 साल का स्थायी नियमावली हम लोग को बनना चाहिए। सरकार देगी आपको? हाँ हम लोग को सरकार देंगे और नहीं देंगे सरकार इतना हम लोग रसोईया हम लोग वोट नहीं देंगे। 83,000 है रसोईया, उसका घर वाला कोई नहीं देगा वोट। अच्छा, कोई नहीं देगा? नहीं मिला हम लोग क्या करेंगे मैया योजना? माने फ्री में जो घर में बैठा है ना, फ्री में जो घर में बैठा है उसको मिल रहा है और हम लोग खट रहे उसको नहीं महीना भर मिल रहा है, उसको पैसा नहीं देंगे। फ्री में जो आराम करते हैं उसको पैसा देते हैं। हम लोग को नहीं चाहिए मैया योजना, लेकिन हम लोग को एक दिन का चाहिए, एक दिन का मजदूरी चाहिए। हम लोग जो है मजदूरी वही न्यूनतम वेतन चाहिए। चलिए, क्या नाम? नाम बबीता देवी। कहाँ से आई हैं? बुढ़मू प्रखंड। क्या मांग है कि रोड जाम कर दिए आप लोग? न्यूनतम वेतन। कितना न्यूनतम वेतन? इतना जो मजदूरी है वही वाला। क्या मजदूरी है बताइए? कितना है? 250 से ऊपर है, 250 से ऊपर है, 300 आप उम्मीद पर ही ना है सर। हम लोग सरकार बोल रहे हम 3,000 पे कर दिए, हो गया कर दिए तो नहीं डाले हैं अकाउंट में पैसा। हम लोग को तो 2,000 मिला है, आश्वासन तो कर दिया है, 3,000 का भी आश्वासन दिया है। आश्वासन दे के ठगते हैं बच्चा के जैसा, जो बच्चा जो हम लोग बोलते हैं कि नहीं है बाबू आज पैसा बाद में देंगे वैसा सरकार हम लोग को ठग रहे। तो क्या हम लोग एकदम ही हम लोग यहाँ जो गिर पड़ता है? हम लोग भी तो खटते हैं, मजदूरी करते हैं, हम लोग को चाहिए। हम जिला क्या मांग है? हम लोग का मांग है 5 सूत्री मांग है। महीना में 5,000-4,000 मिलता तब ना, हम लोग का तो 2,000 पैसा मिलता है, उतना में 66 पैसा मिलता है, क्या होगा? हम लोग का एक सांझ का सब्जी भी नहीं होता है, उसे छुआ पढ़ाएंगे कि हम लोग पढ़ेंगे कि कपड़ा लता उसे करेंगे। कितना मांग है आपको सरकार से? हाँ वही तो मांग है हम लोग का, एक दिन का भी तो वेतन नहीं देता है। नमस्ते, मेरा नाम आरती भगत है और पुरुष जिला से हैं और प्रखंड पटका से जिला के सदस्य से हैं। क्या मांग है आपकी? हम लोगों का मांग है, देखिए हम लोगों का तो अभी 2,000 मिल रहा था, जैसे 66 रुपये 66 पैसा से हम लोग काम कर रहे हैं और न्यूनतम वेतन मांग है और हम लोगों का ड्रेस कोड मांग है और फिर स्थायी किया जाए ये भी मांग है और फिर हम लोगों का जैसे निकाल दिया जा रहा है जैसे इसी के मतलब स्थायी किया जाए, है ना? हाँ हाँ, 5,000 2,000 मिल रहा है हम लोगों का। सरकार तो बोली कब 3,000 कर रहा है? हाँ तो 3,000 दे रहे हैं ना, 3,000 में
सर बोले हैं 3000 में है, कैसे क्या होगा? हम लोग का 3000 मिल रहा है ना। विश्वास नहीं है? हाँ, सरकार पर विश्वास नहीं है? नहीं, विश्वास है तो देना चाहिए ना, अभी तक बोले हैं, कब मिलेगा? क्या मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग यही मांग लेके आए हैं कि जैसे हम लोग को पहले फ्री खटा लिया, उसके बाद हम लोग को मानदेय नहीं जोड़ रहा है, इसीलिए हम लोग आए हैं कि फ्री 10 पैसा से 20 पैसा तक खटे हैं, और उसके बाद 1000 कर दिया, 1000 से 2000 कर दिया है, और उसके बाद हम लोग को महीना में पैसा नहीं देता है। जैसे महीना से बाकी है? 2 से 3 महीना तक से बाकी है। बाकी है? हाँ। पहले अभी कितना मिलता है? अभी 2000 मिलता है, तो हम लोग को 12 महीना का जगह में 10 महीना का हम लोग को मिलता है। तो कैबिनेट से पास हुआ ना, मुख्यमंत्री ने कहा कि 3000 तो मुख्यमंत्री ने बोला है, तो पास नहीं किया है, मुहर लगाएगा तब ना। इसी चलते हम लोग आए हैं कि हम लोग अपना मांग कर लिए सबको, हम लोग को ड्रेस के लिए आए हैं। और क्या मांग? जैसे हम लोग को मानदेय ने जोड़ना है, 60 साल में निकाल घुसा करता है तो बोलता है कि बती जिसका बच्चा पढ़ेगा वो रहेगा, तो हम लोग बार बार बच्चा कहाँ से पैदा करेंगे? हम लोग का बच्चा सब पढ़ के निकल गया, तो हम लोग कहाँ से करेंगे? इसी के लिए हम लोग आए हैं यहाँ कि